और बड़ी खबर आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी हुई हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और फैसला सुनाया है जिला जज को। हाईकोर्ट का आदेश, नए सिरे से अब सुनवाई का आदेश दिया गया है पूरे मामले में। जिला जज को रिमांड बैक किया गया है। शाही ईदगाह ट्रस्ट की याचिका निरस्त की गई है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज की गई है। सभी पक्षों को नए सिरे से दलील पेश करनी होगी। तो अब केस की वापस नए तरीके से सुनवाई का आदेश दिया गया है, नए सिरे से सुनवाई का आदेश दिया गया है, नए सिरे से दलीलें पेश करनी होंगी। केस चलेगा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर। यह बड़ा फैसला हाईकोर्ट का, जहां केस की दोबारा सुनवाई के निर्देश दिए हैं, मतलब नए सिरे से सुनवाई अब इस मामले में की जाएगी। इसलिए आया है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज ने आदेश पारित किया है, उसका आदेश जो है न तो खारिज किया जाता है और न तो उसको बहाल किया जाता है, रिमांड बैक किया जाता है। पुनः जो है दोनों पक्षकारों को सुन करके जिनके जो अपने तर्क हैं कोर्ट के सामने रखें और मेरिट पर उस पर विशद व्याख्या करते हुए फैसला आएगा। तो नए सिरे से सुनवाई का आदेश दिया है हाईकोर्ट ने। सभी पक्षों को अब नए सिरे से अपनी अपनी दलील पेश करनी होगी। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका को खारिज कर दिया है कोर्ट ने। शाही ईदगाह ट्रस्ट की याचिका को निरस्त कर दिया गया है। जिला जज को रिमांड बैक किया और मामले की नए सिरे से सुनवाई का आदेश दिया है हाईकोर्ट ने। श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ा हुआ यह अहम फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया, जहां पर मामले की अब नए सिरे से सुनवाई करनी होगी। जिला जज को रिमांड बैक किया गया। शाही ईदगाह ट्रस्ट की याचिका को निरस्त करते हुए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका निरस्त और खारिज की गई है। सभी पक्षों को अब नए सिरे से अपने पक्ष में दलीलें पेश करनी होंगी, सबूत देने होंगे। यानी ये जो पूरा केस अभी तक चलता आया है, नए सिरे से अब इस मामले में सुनवाई होगी। सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सर्वेश, विस्तार से बताइए कोर्ट ने क्या कुछ कहा और अब जब नए सिरे से इस मामले की सुनवाई होगी तो क्या अंतर होगा अब तक जो सुनवाई हुई और अब नए सिरे से जो सुनवाई होनी है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद काफी पुराना है। इस मामले में सबसे पहले एक सिविल वाद दायर हुआ था और इसमें यह कहा गया था कि मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो सिविल वाद दायर हुआ था सिविल जज के यहाँ, उसमें यह कहा गया था कि 20 जुलाई 1973 का जो समझौता हुआ था वो गलत तथ्यों के आधार पर हुआ था और जिसने ये समझौता किया था उसको ये अधिकार नहीं था करने के लिए, इसलिए 13.37 एकड़ की जो जमीन है वो शाही ईदगाह, इस समझौते के आधार पर शाही ईदगाह को दी गई थी, वो वापस केशव कटरा यानी कि श्री कृष्ण विराजमान को दे दी जानी चाहिए। इसी मामले में जो वहां पर अर्जी थी सिविल वाद की वो खारिज हो गई थी, जिसको अपील में डिस्ट्रिक्ट जज को दिया गया था और वहां पर डिस्ट्रिक्ट जज ने इसको फिर से सुनवाई का आदेश दिया था और उसी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में यहां पर याचिका दाखिल की गई थी और उस याचिका में सभी पक्षों की बहस पूरी हुई थी। इसमें जो पक्षकार थे यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड था, शाही मस्जिद जो थी उसकी कमेटी थी, इसके साथ ही साथ श्रीकृष्ण विराजमान थे। तीनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 17 अप्रैल को जस्टिस प्रकाश पांड्या ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था और आज इस जजमेंट को डिलीवर किया है। उन्होंने रिमांड बैक कर दी है अर्जी और फिर से जो है इस मामले को सुनवाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इस चूंकि ये सिविल वाद है तो टाइम लिमिट कोई नहीं तय की है कोर्ट ने, लेकिन ये कहा है कि फिर से मथुरा जिला कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी और ये आदेश दिया है। अब ये सुनवाई जो है वो सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ होगी और इस मामले में आदेश दिया गया है। चूंकि इस मामले में सभी पक्ष संतुष्ट हैं, सभी का कहना है कि अब इस मामले में अगर सुनवाई होगी तो उन्हें अपने अपने पक्ष रखने का इसमें मौका मिलेगा। हालांकि जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और शाही मस्जिद कमेटी है वो इस मामले को पोषणीय नहीं मान रही थी, वो चाह रही थी कि ये बात खारिज किया जाए क्योंकि ये वर्शिप एक्ट 1991 के तहत ये बाढ़ है, इसके तहत आता है। बिल्कुल, तो अब मामले की नए सिरे से सुनवाई होगी, नए सिरे से सभी पक्षों को अपनी दलीलें पेश करनी होंगी। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका। छोटे से ब्रेक का वक्त, जल्द लौटेंगे।